ना, तो एंगेजमेंट करके जाता हूं मैं। नहीं एलिजाले आयुषसँग विवाह गर्न अस्वीकार गरिन्। आयुष र एलिजाको बीच यस्तो भयो जुन भिडियोको चर्चा भने अहिलेको समयमा निकै भइरहेको छ। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक बढी चर्चा रहेको छ, त टिकटकको सुपरहिट जोडी एलिजे र आयुषको फ्यानहरूले पनि यो जोडीलाई निकै माया गर्ने गरेका छन्। यसै बीच हिजो पनि एलिजा र आयुष लाइभ आएका थिए। पहिला भने उनीहरूको ब्रेकअप जस्तो भएको थियो, तर अहिलेको समयमा भने उनीहरू फेरि प्याचअप गरेर मिलिसकेका छन्। र हिजो भने उनीहरू लाइभ पनि आएका थिए, जसमा भने कुरा हुँदै थियो आयुष र एलिजाको विवाहको, जसलाई लिएर भने एलिजाले विवाह गर्नबाट मना गरिदिन्छन्। जसपछि भने धेरैजना फ्यानहरू पनि चकित भएका छन्। के भएको थियो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको मनमा खेलिरहेको होला। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसकेपछि अब आफ्नो प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नु होला। हामी पोखरा लिएर जाती है, पोखरा में मतलब हमारी सिलेक्शन होती है, उसके बाद हम जाएंगे। वेकेशन? अरे यार तुम मुझे बस तुम टाइम दो 6-7 महीने। तो क्या हो गया, बात बात करते रहेंगे? दिन भर में ट्रेनिंग में होंगे, शाम में तो आ जाऊंगा ना। सुनो बस 6 या 7 महीने 8 महीने की ज्यादा ज्यादा बात है। मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही हूँ। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास बस 10 दिन का टाइम है। क्यों? बस क्यों, किस चीज की, क्या हो गई? जानलेवा बीमारी है। क्या बीमारी? आयुष होला लाला। फालतू बात मत करो, ठीक है? फालतू बात नहीं कर रही। ओके मैं आती हूँ, अब तो मैं पक्का आऊंगी, अब तो मैं पक्का आ रही हूँ। क्यों यार, सही यार, अब मतलब यार पलटन जाके तुम्हें मतलब पलटन लेके जाऊंगा, यूके जाके हम बैठेंगे, ठंडी ठंडी मौसम होगी। मुझे नहीं जाना यूके। तो कहाँ जाओगी यार? अच्छा हाँ तो अच्छा, हम तो जाएंगे ना, हमारे गांव में। अच्छा हम तो अच्छा तो जाने, तो मतलब कौन सी बड़ी बात होगी, हमारी शादी अच्छा में होगी। सुनो ना, तुम ही दुबई आओ। अरे आ जाऊंगा यार दुबई, आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं यार, मतलब टेंशन मत लो ना। बस मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूँ कि लाहौरे के लिए जाता हूँ, लाहौरे बन के उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। उसके बाद तो शादी करने के लिए भी एक रीजन, मतलब एक वो तो हो जाएगी ना, एक बैग बन तो बन जाएगी लाहौरे बन जाने के बाद। बस मुझे लाहौरे बनने दो। ओ, नहीं, 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 मैं किसी और से शादी कर लूंगी, बता रही हूँ। अरे यार क्या बोलूं यार, समझ नहीं आ रही तुम्हें लाहौरे की मतलब क्या है। मुझे साफ समझ में आ रही, मैं किसी और से शादी कर लूं। तो क्या मैं जिंदगी भर बेरोजगार रहूं? थैंक यू दिनेश, थैंक यू। हाँ तो क्या होता है, क्या क्या होता है, पागल हो तुम? मिलके पापा के कैश पैश करेंगे, क्या होता है? चुप, क्या चुप? पापा की परी। तिमी 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 घर जमाई बन उन्छा, आओ। चुप, के चुप? मत जान सब यूके। क्या? अभी मॉडर्न जमाना हो, कुछ नहीं होंचा। हाँ तो पहले लावरे के लिए मुझे ट्राई करने दो, ठीक है? अगर मैं लावरे नहीं बन पाया तो मैं कर लूँ किसी से शादी, कर लूँ। अरे यार तो कैसी बात करते हो तो आप लोग, मेरे लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करें, अलीजे का स्वयंवर रखेंगे अब हम, ठीक है? अब देखो, अब मतलब लड़की इधर मरते लावरे के लिए, तुम देखो मुझे लावरे होने नहीं देती। स्वयंवर रचा रही हूँ अपना, और मैं सुनो सुनो सुनो, लड़की इधर लावरी के लिए मरते, पता है नहीं तुम्हें? मैं तो तुम्हारे लिए मर रही हूँ। हाँ तो तुम्हारे लिए तो मैं तो पहले से लावरे हूँ ना यार, अब मतलब दुनिया के लिए लावरे, देश के लिए लावरे। जो बंदा मतलब महीने में 40 दिन तो डिप्रेशन में रहता हो, वो क्या क्या कर रहे हो तुम यार? महीने में 40 दिन कहाँ होती है, मतलब 2 महीने में? 2 महीने में 40 दिन होती है? तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ। मैं नखरे मत करो, जा रहा हूँ मैं, मुझे मत रोकना, आपको ही रख नहीं सकता मुझे। हाँ तो मुझे भी मत रोकना शादी के लिए, फिर आ जाएगा इन्विटेशन तुम्हारा। जल्दी की मैं शादी करने लगी, बस 22-23 की होने वाली हो तो जल्दी है। सुनो शादी की एज होती है, ठीक है? सुनो एक सीरियस टॉक है,
बोर्डर लगाओ इधर, दरवाजा बंद हो गई। सीरियस टक सुनो, जब तुम 26 की होगी मैं 25 हो जाऊंगा, मतलब 26-27 होगी 25 हो जाऊंगा, तब वो एज होती है यार शादी करने के लिए। तुम करना ना तभी, मेरे तो 3-4 बच्चे हो गए होंगे तब तक। किसी बात करती हो यार, क्या हो गई यार तुम्हें यार? मैं तो वेट नहीं कर सकती। मतलब सही बात कर रहा हूँ यार, नहीं तो मतलब मैं सुन तो ठीक है ना, तो एंगेजमेंट करके जाता हूँ मैं। नहीं अब देखो, अब ये भी तुम्हें नहीं, वो भी नहीं, अब क्या करूँ यार? जिंदगी भर तुम्हारी वो करती रहूँ, वेट करती रहूंगी क्या? जिंदगी भर नहीं यार, बस 5 या 6-7 महीने। और तुम ना आए तो